In this video, I'm going to share my experience of using Jopasu Cardcaptor Rejuvenator. आप लोग Jopasu Cardcaptor ले चुके हैं, अब यूज़ करने के बाद उसका टाइम आगे रिजुविनेट करने का कैसे करना है पूरा प्रोसेस आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जो लोग Jopasu Cardcaptor ख़रीदने की सोच रहे हैं, यू हैव नॉट बॉट इट येट, कि स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि स्क्रैच डाल सकता है क्या। मैंने उसके ऊपर अलग से दो वीडियोज़ बना रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल। और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अब आपका टाइम आ गया रिजुविनेट करने का, डस्ट पिकिंग नहीं कर पा रहा है, तो आगे वीडियो आप लोगों के लिए। मैंने चार से पाँच महीने यूज़ किया इसको, इसके बाद इसको रिजुविनेट किया वॉश करने के बाद। रिजुविनेट करने का कैसे काम कर रहा है इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा, सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, एंड तक देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब निकल चुकी है, ये है स्प्रे नोजल, ये है बॉटल, ऐसे ही नोजल बॉटल के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। Jopasu डस्टर रिजुविनेटर, तो डस्टर को आपने अपना अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, मैं कर चुका हूँ वो सारा काम। अब एटलीस्ट 50 टाइम्स इसको स्प्रे करना है और उसके बाद वेट करना है। उसके बाद लिखा है रिपीट्स ऑफ BNC फॉर 2 more times। अच्छा, ओवरऑल 150 बार स्प्रे करना है भाई, ये देखते हैं कैसे काम करता है। ये कुछ गुई गुई सा लिक्विड है, इट डजेंट स्मेल ऑफ एनीथिंग, बड़ा न्यूट्रल से स्मेल है। एनी वे, ये है इसका नोजल, ये इसमें जाएगा और ये स्प्रे करेगा क्या? काफ़ी थिक लिक्विड लग रहा है मेरे को, काफ़ी थिक तो नहीं बट इट्स थिकर देन योर नॉर्मल लिक्विड्स। और वही सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पे स्प्रे बॉटल्स का यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे है स्ट्रीम ऑफ स्प्रे, स्प्रे करके देखें क्या हो रहा है। हो रहा है स्प्रे तो हो रहा है भाई, अभी डस्टर लेके आता हूँ फिर देखते हैं। यहाँ लटका हुआ बेचारा डस्टर हमारा, ये देखो कितना बुरा लग रहा है। इसको वॉश कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद भी ये इतना, कलर जो था ना वाइट सा था, अभी इतना वॉश करने के बावजूद भी इसका कलर ऐसा ही है। ये हैंडल में से यहाँ से अलग हो जाता है, तो इसको स्प्रे करना है, नीचे रख के स्प्रे करेंगे। तो बेसिकली ये कह रहे 50 टाइम्स स्प्रे करना है, 50 टाइम्स स्प्रे करने के बाद 30-40 मिनट्स का वेट करो ताकि वो ड्राई हो जाए, उसके बाद 2 बार और यही काम करना। तो स्प्रे करते हैं, देखते हैं कैसे काम करेगा ये। ये पूरा स्प्रे हो चुका है, अब तक छोड़ते हैं, उसके बाद दोबारा स्प्रे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसको रिजुविनेट कर चुका हूँ मैं, एज पर इंस्ट्रक्शंस रिजुविनेटर से मैंने रिजुविनेट करके इसको ड्राई कर लिया है। अभी टाइम है इसको फिक्स करने का, एंड फिक्सिंग भी बहुत इजी है, यहाँ से आराम से स्लाइडिंग कर जाएगा। हो गया रेडी अपना डस्ट रिजुविनेट होके, अभी इसको ट्राई करेंगे कि कार की क्लीनिंग कैसे करता है, और कोशिश करूँगा कि क्लीनिंग के भी आपको फुटेज शेयर करूँ। टाइम टू टेस्ट डस्टर रिजुविनेट हो चुका है, ये डस्ट देख रही है, हाँ ये रिजुविनेटर से हमने क्लीन किया। ये डस्ट को स्लाइड नहीं करता, ये एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, ये अच्छी चीज़ है। ये और एक कार क्लीनिंग की देखिए, उसके बाद इसको ऐसे रब करते हैं। और एक अच्छी टिप कार क्लीनिंग की है कि हमेशा क्लीन करो टॉप टू बॉटम, सी कैन यू सी द मार्केट डिफरेंस। अब लेट मी क्लीन द कार, क्योंकि सिंगल हैंडेडली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको इसको सीधा सिंगल डायरेक्शन में लेके जाना है, दैट्स इट लाइक दिस, सी बस।
देखो कुछ इस तरीके से क्लीनिंग हो गई।